Assalamualaikum everyone, welcome to Zor का जोड़। मीरा ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, यकीनन जब आपने पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 की किट देखी होगी तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। आपको एहसास हुआ होगा कि क्या कमाल खूबसूरत सी जो है वो जर्सी तैयार की गई है, जिसमें से लिटरली एक पेट्रियाटिज्म नज़र आ रहा है। कोई भी पाकिस्तान को चाहने वाला होगा तो वो इस जर्सी को देखकर उसके जो है ना वो एक आपके अंदर से एक जो है ना वो खुशबू आने लग जाती है आपके कंट्री की, आपके वतन की, मिट्टी की। जब आप ऐसे खूबसूरत सी चीज़ें देखते हैं, हरियाली और पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का नाम जो है वो आपका सर फख्र से बुलंद कर देता है। तो मैं मतलब आज इतनी एक्साइटेड थी जब मैंने कल ये चीज़ देखी, और बहुत ज़बरदस्त था इसका उन्होंने बकायदा तौर पर एक जिस तरह से पोस्टर तैयार किया है, जिस तरह से हमारे सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो देखकर हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तो जीतना ही चाहिए, चाहे मैच कहीं पर भी हो, किसी भी मुल्क में हो। लेकिन हमारे प्लेयर्स इनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, इनकी इस जर्सी में पिक्चर्स को देखते हुए, यकीन करें दिल से दुआ निकलती है कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 2024 की जो ट्रॉफी है वो अपने नाम करे, अपने मुल्क इज्जत के साथ वापस आए। और जैसा मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया था कि $1,00,000 पर प्लेयर को दिया जाएगा, वो उनसे नवाजा जाए और हम वो मंजर देखें। सो नाज़रीन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं इस बारे में। देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या भारत जो है वो पाकिस्तान आता है, नहीं आता है, क्या होता है, बड़ी खबरें इस हवाले से हो रही हैं। और बॉलीवुड में भी नाज़रीन ख्वाहिशात की जा रही हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर से मुलाकात की जाए, पाकिस्तान आया जाए, तो इस बारे में भी बात करेंगे। ज़रा बॉलीवुड का टच भी देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आता जा रहा है, बॉलीवुड से भी काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें कॉल पर, लाइव कॉल पर ज्वाइन किया है आपके फेवरेट आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे आप सेट पर ही मौजूद है, कोई ज्यादा फासला नहीं है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं हाफिज़ साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी ज़िक्र किया कि इंडिया भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, जब इसकी बात हो रही है तो एक एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हाफिज़ साहब कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं, लेकिन अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की जहाँ तक बात हो रही है, तो इंडिया की जानिब से एक अपडेट आई कि BCCI की तरफ से ये पैगाम आया है कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे जब तक कि हमें हुकूमत इजाज़त दे दे। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये अभी वक्तन फवक्तन आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आएगा तो भारत हमें अपने शहर लाहौर में नज़र आएगा? हाँ, देखें, एक मुश्किल मरहला है, और वैसे होना नहीं चाहिए अगर आप इसको देखते हैं इस लिहाज से कि ICC के इवेंट्स में दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, अगर पाकिस्तान भारत में जाता है तो भारत को भी पाकिस्तान में आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और उसकी वजह ये है, अब ये जो बात आपने की है कि क्यों ये सवाल उठा है, ये राजीव शुक्ला साहब जो कि BCCI के नायब सदर भी हैं और उसके साथ साथ वो कांग्रेस के रुकन भी हैं, सियासतदान भी हैं, BCCI के नायब सदर भी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत फैसला करेगी कि टीम ने पाकिस्तान का सफ़र करना है या नहीं करना है। जब तक ICC चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त होना है उस वक्त तक भारत में एक नई हुकूमत होगी। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब दोबारा वजीर आज़म बनते हैं भारत के, या फिर उनके मुल्क में हुकूमती सतह पर कोई तब्दीली आती है। हाँ। तो ये हुकूमत फैसला करेगी। अगर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो फिर तो ज़रा हालात मुश्किल होंगे इस हवाले से, क्योंकि उनकी पॉलिसी गुज़िश्ता दो अदवार हैं जो उनके ये वाला और उससे पिछला, उसमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात को अच्छे नहीं रहे। मासवाए इसके बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने 2016 में भी सफ़र किया था इंडिया का, और पाकिस्तान ने 2023 में भी इंडिया का सफ़र किया। बिल्कुल सही। अब ICC का इवेंट है, उसूली तौर पर दुनिया के तमाम ममालिक को पाकिस्तान आना चाहिए खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में, जो जो टीम आना पड़ेगा अभी तो गुंजाइश नहीं चाहिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, गुंजाइश वाली बात नहीं है। एक बात ये भी है कि जब पाकिस्तान में सारी चीज़ें नॉर्मली ऑपरेट हो रही हैं ना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरी की पूरी क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में अब बहाल हो चुकी है, हालात वो नहीं है 2009 में थे, हाँ, या 10-11 में थे, तो बदल गए, इसलिए अब भारत का के पास कोई जवाब नहीं है। अब नहीं आते हैं क्या होता है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन जब तक आप ये सूरत हाल
कि हुकूमत कौन सी होती है, और जो पहले भी हमने जिक्र किया था कि बड़ा अहम होगा कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले आईसीसी की सतह पर, उनका क्या मौकफ होता है। अगर भारत कहता है नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पर जाना, तो वो ममालिक पाकिस्तान का साथ देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ। और वो पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर उन्होंने झुकाव रखना है किसी एक तरफ तो वो रखेंगे, लेकिन इस सूरत हाल में अगर हालात हमारे जो कि आज हैं यही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के वक्त होते हैं, तो फिर दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान में खेलने से इनकार नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने उसको यकीनी बनाने के लिए जो तमाम तर इकदाम थे, बिलखसूस एक वेन्यू तक उनको रखने की, ताकि हाँ, बहुत ज़्यादा मसला कोई ना कोई तरीका कार वो एक है, अब बेहतर तजवीज़ है लाहौर में अगर वो रहते हैं, तमाम मेज़बानी के एतबार से, बुनियादी ढांचे के एतबार से बिल्कुल, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर मेरे ख्याल से सब कुछ है, कोई ऐसा तो नहीं है, तफरी वाला शहर समझा जाता है, जहाँ पर लोग दूर से आते हैं वो कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो पैदा ही नहीं हुआ ना, लाहौर तो जाना जाता है। भारत की टीम 2000 की दहाई में जब पाकिस्तान आई थी यहाँ पर, मतलब लाहौर में जिस तरीके से पाकिस्तान में वो जहाँ कहीं भी खेलने के लिए गए, हाँ, उनको बहुत शानदार तरीके से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानियों को भी भारत में बहुत प्यार किया जाता है, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स भी जब जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी भारतीय खिलाड़ी जब आते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको खुशामदीद कहा जाता है, लोग बहुत खुले दिल के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान सीरीज़ हारा था यहाँ पे 2000 की दहाई में, हाँ। तो पाकिस्तान ने तो हारने के ऊपर भी आतिशबाजी की थी, पाकिस्तान सीरीज़ हारा था लेकिन उस सीरीज़ हारने पर भी कदाफी स्टेडियम में आतिशबाजी हुई थी। इससे ज़्यादा आप जो मेहमान नवाजी है वो क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मुखालिफ टीम को, और वो भी भारत जैसी मुखालिफ टीम को जिसके जिससे शिकस्त पाकिस्तान तस्लीम नहीं करते ना, उसकी शिकस्त उसकी फतह को भी सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था, एक खुशी का इजहार किया गया था, चूंकि क्रिकेट बहाल हुई थी दोनों मुल्कों के माबैन, हाँ। तो फतह और शिकस्त से हटकर एक जो आपके खैर सगाली के जज्बात होते हैं, जो मेहमान नवाजी के आपके अंदाज होते हैं, आदाब होते हैं, और अपने 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 जो मेहमान हैं मेज़बानी के जो आदाब होते हैं अपने मेहमानों का ख्याल रखने के लिए, इससे ज़्यादा कौन कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा से पाकिस्तान भारत ये दो ऐसे मुल्क रहे हैं जिनके बारे में बहुत बात होती है और लोग इन्हें देखना चाहते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनमें मोहब्बत भी बेशुमार होती है। आमिर साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी अगला हमारा जो मेन टारगेट होगा वो यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी ही होगा, हर तरफ उसी की बात हो रही होगी, और जो खास खास नज़रें होंगी वो भारत के पाकिस्तान आने पर होंगी, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा लास्ट ओवर जो इंडिया ने 2003 में किया उसके बाद देखने वो हमारे मुल्क में नहीं आए, और आप ये देखिए पाकिस्तान टीम जैसे भी हालात थे ना इंडिया में, उनके जो झगड़े हो रहे थे मुझे उनके फसादात हो रहे थे, फिर भी पाकिस्तान टीम दो ऑर्डर किया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। देखिये बात दरअसल ये दोनों जो अवाम है ना इंडिया और पाकिस्तान की, ये क्रिकेट लवर है, चाहते हैं हमारे तरफ ये है हम उनके मेहमान बने, और ये दोनों कंट्री मेहमान नवाज हैं। अभी याद रखें कि रिसेंटली रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में उसने इंटरव्यू दिया कि मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैच को अदर वेन्यू पर अदर गवर्नमेंट चाहे, लेकिन ये गवर्नमेंट अपनी जगह पे रहें, ये अवाम नहीं चाहती कि क्रिकेट ना हो, अवाम तो चाहती है क्रिकेट हो, पाकिस्तान ने भी कह दिया, अगर ये देखना ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए, अब पाकिस्तान अगर इंडिया दो मरतबा जा सकता आप भी है, और हमारे क्रिकेट कोच चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको एक आइडिया दिया आईसीसी को कि इंडिया की टीम को एक ही शहर में महदूद कर देंगे, उनकी जो नकलो हरकत है उसको उसको थोड़ा सा शुक्र कम कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही कम कर दिया गया है। मैंने ख्याल से ये एक अच्छा प्लान है। अगर आप देखें हमने लाहौर की बात की है, कराची की बात की है, देखिए मेरा अभी रिसेंटली आप देखिए न्यूजीलैंड की, आप लोग कह रहे थे बीसी टीम आई है, वो देख लो वेस्ट इंडीज कराची में खेल रहा था, 5 T20 दो वनडे थ्री खेले हैं वो, देखिए हमने उनको उनको सतर की जैसी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है, हमारी एजेंसियां जो हमारी फोर्स में है बड़ी मेहनत की है एजेंसियों ने, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक पक्का था कि इंडिया को आना पसंद नहीं करता था, आप देखें इंग्लैंड यहाँ पे आके चला गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे चला गया, श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश चला गया, यानी कि तमाम वुमेन क्रिकेट आगे भी चली, और फुटबॉल शो यानी कि हॉकी की तमाम टीमें जा रही, इसका मतलब है कि आईसीसी भी कई मरतबा है, और इनके जो एजेंसियां आती हैं, बंदे आते हैं जो अदर कंट्री के, वो पहले अपना सिक्योरिटी फर्म भेजते हैं, वो सारा आगे यहाँ पे जायजा लेते हैं, फिर जाके वो ओके करते फिर जाकर बिल्कुल ऐसे ही है कि उसकी सिलेक्शन की जाती है, फैसले किए जाते हैं। देखिए हमें अभी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अभी 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 5-6 साल है अभी बाकी, मगर ये है कि मेरी तो ख्वाहिश यही है कि इंडिया पाकिस्तान है और अपने मैच खेले और खैरियत से घर जाए।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब. कमिंग टू यू अगेन, कि मैं देख रही थी कि मेरे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई जिसकी अभी डिटेल्स मुकम्मल तौर पर मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी डिटेल्स आएंगी मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करूँगी. अभी इनिशियली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ भी कि शाहरुख खान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो वर्ल्ड कप का हिस्सा ना बने या शायद बन भी जाएँ, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में एयरपोर्ट्स पर जिस तरह से जो हालात होते हैं शायद वो ना जाएँ, लेकिन उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलना चाहते हैं. पाकिस्तान आए, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में. एग्जैक्टली, कि जैसे ही पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो अगर आप ये देखें, क्या मुराद है मीरब, आए ना, अगर भारत आता है चैंपियंस ट्रॉफी में. नहीं, ये तो कोई उनको कहना चाहिए कि पाकिस्तान जाएं. अगर शाहरुख खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं तो आए पाकिस्तान, तो उनके कहने से वो आ जाएंगे. देखिए, बात ये उनका कहना, उनके आना ना आना एक अलग बहस है. पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, इंडिया की टीम अगर हर्ज कर ले नहीं आती ना, पहले तो वो सबसे ये कहे ना, अपनी हुकूमत को कहेंगे इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजा जाए, तो उनके कहने से वो भेज देंगे. देखिए ना भेजे यार उन, देखिए बात ये है, ना भेजे उनके कहने से, वो तो ये कह सकती है ना. अब हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारे कहने कि इंडिया को आना चाहिए, तो हमारे कहने पर उन्हें भेजना है. हमने तो अपनी राय देनी है ना, हमारा मुल्क तो तैयार है उनको हमने सर्व करने के लिए. तो शाहरुख खान को भी मैं रास्ते ही बता रहा हूँ ना, खान साहब को, कि कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिला जाता है. जो आपने खबर बयान की है तो उस खबर के हवाले से ये है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, भारत से हजारों लोग आएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए, उनमें शाहरुख खान साहब भी तशरीफ लाएं पाकिस्तान, यहाँ पर लाहौर आए, और पाकिस्तान उनके लिए कोई अनजान तो नहीं है, उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से. बिल्कुल हैं, जैसा वो बताते होते हैं अक्सर कि कश्मीर में, कश्मीर से उनका काफ़ी ताल्लुक रहा, और वो वहाँ पर जब भी जाते थे तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ उस थ्रू भी कनेक्ट होते थे, क्योंकि रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है. लेकिन हाफिज़ साहब, आपने मेरा सवाल पूरा सुना ही नहीं है, मैं आपसे एग्जैक्टली उसके बाद यही बात करना चाह रही थी कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि जो कि आप कह रहे हैं कि होनी ही चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और भारत यहाँ पर आता है, तो जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ भी, यानी कि शाहरुख खान जैसा नाम जिसको दुनिया से लोग चाहते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं, तो इससे हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको किस हद तक हौसला अफजाई मिलती है, हमारे प्लेयर्स को क्या हौसला अफजाई मिलती है? बात ये है, पाकिस्तान की टीम के लिए देखें, एक उनकी इज्जत है. हाँ. वो दुनिया, उनको फिल्म की दुनिया में, आप उनको सिनेमा में, शोबिज में किंग बुलाते हैं. बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी किसी से कम नहीं है. ठीक है, लेकिन पाकिस्तान फिल्म में तो नहीं आते ना. पाकिस्तान में भी शाहरुख खान को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन है. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो किसी से कम नहीं है. वो भी दुनिया में उतने मकबूल हैं, उतने माने जाते हैं जितना इंडिया के क्रिकेटर्स माने जाते हैं, जितना पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को लोग पसंद करते हैं. हो सकता है चूंकि आबादी में बड़ा मुल्क है, उनके पसंद करने वालों की तादाद ज्यादा हो, लेकिन जहां तक हैसियत और मर्तबे का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अनहोनी चीज नहीं है. केकेआर से पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते रहे हैं, लोगों को आज भी शोएब अख्तर की बॉलिंग याद होगी, वहां पर लोगों को सुहेल तनवीर की बॉलिंग याद होगी, लोगों को कामरान अकमल की बैटिंग याद होगी, लोगों को सलमान भट्ट की बैटिंग याद होगी, लोगों को उमर गुल याद होंगे. जितने भी लोग पाकिस्तान की तरफ से आईपीएल में खेले हैं, तो शाहरुख खान की, खान साहब की उसमें फ्रेंचाइज में खेले हैं ना. सो ये कह देना कि वो आ जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही बड़ी एक अनहोनी सी चीज़ हो जानी है. ये पाकिस्तान की जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो भी दुनिया में किसी से काम नहीं है. पाकिस्तान के जो फिल्म के लोग हैं वो भी दुनिया में किसी से काम नहीं है. ठीक है, और माजी में भी जब आप देखते हैं, पाकिस्तान की टीम जब इंडिया जाया करती थी तो दिलीप कुमार साहब के घर पाकिस्तान की सारी टीम को ईशाइये पर मधु किया जाता था. उनके जो बड़े बड़े टॉप स्टार्स हैं बॉलीवुड के उस वक्त के भी, पाकिस्तान की टीम को अपने हाँ मधु करते थे. हाँ. उनके एजाज में तकरीबात का इनेकाद किया जाता था. तो ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान मतलब कोई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मतलब को कम लोग जानते हैं तो लोग उनकी हौसला अफजाई के लिए कर लेते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं तो वो चाहते हैं. जैसा कि शाहरुख खान साहब का आपने जिक्र किया है कि उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तान की पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं, तो ये अगर उनके दिल में ये, पहले तो सबसे पहले उनके इस जज्बात की कदर करनी चाहिए. वो एक बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, सिर्फ इंडिया का नहीं दुनिया में उनको लोग पसंद करते हैं. तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, खान साहब भी आएँ, उनके और लोग भी पाकिस्तान में आएँ, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर में देखें, जहाँ जहाँ उनकी टीम ट्रैवल करेगी उनके साथ ट्रैवल करें, देखें आप यहाँ पर आकर के लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत का इजहार करते हैं. आप जिस जगह भी जाएंगे आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो इंडियन क्रिकेटर्स को देखें. विराट कोहली की कितनी बात होती है पाकिस्तान में,
पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं साबिक क्रिकेटर्स वो उनके बारे में कितनी, लेकिन हाफिज साहब देखें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में, चले पाकिस्तान से तो इंडिया जाते हैं लोग, ठीक है, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी जाते हैं, हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं, आतिफ असलम है, राहत फतेह अली खान है, फवाद खान है, सब लोग जाते हैं, लेकिन इंडिया से बहुत अरसा हो गया कि कोई भी सेलिब्रिटी या कोई आप कह लें कि कोई बड़ा नाम जो है, फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी है, बहुत अरसे से पाकिस्तान आया नहीं है। और बात जहां तक बीसीसीआई की है, जैसे वो कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो हम ये अमल ज़रूर करेंगे, तो इंडिया से लोग ख्वाहिश रखते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ें, ना सिर्फ आम लोग, ना सिर्फ खिलाड़ी, बल्कि सेलिब्रिटीज़ भी ख्वाहिश करते हैं कि वो पाकिस्तान आएँ। अभी हाल ही में आप देखें संजय लीला बंसाली जो है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से मुझे जितनी मोहब्बत मिलती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है हम आज भी है क्या। तो बात करने का मकसद, खबर सुनाने का मकसद ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे क्या तनाज़ात हैं, बल्कि उनको अपने ख़ास लोग जो दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं या उनका इजहार करते हैं, उनको अपने, उनको सुनना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहिए, एक बॉर्डर तक की दूरी है उससे आगे पार करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि रोहित शर्मा ने कहा कि वो टेस्ट सीरीज़ खेलना जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में एक चाहत है कि हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हों, दुनिया जानती है, दुनिया देखती है पाकिस्तान और भारत का मैच। आमिर साहब आपसे मुखातिब होना चाहूंगी, काफी देर से आप खामोश हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कल भी आप गुफ्तगू कर रहे थे इस बारे में। आप नजायज सारा उठा रही है, मैं नहीं हूं तो मुझसे कम सवाल पूछनी है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा तो इंशाल्लाह ये हिसाब बराबर कर लेंगे। देखिए मीरा, मैं कहता हूँ जब आप चैंपियन ट्रॉफी जब अनाउंस होगी ना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके कर देगा ना, शाहरुख खान नहीं, बहुत से आएंगे, दीपिका पोडिगोन आएगा, क्या बात है, बड़े बड़े आएंगे, ऐश्वर्या राय। अच्छा दीपिका का नाम बड़ा आपने सोच समझ के लिया है, आपका ज्यादा फोकस दीपिका की तरफ क्यों है? नहीं आप देखिए बड़े आएंगे लोग, देखिए मैं आपको पहले भी कहा था ये इंडिया पाकिस्तान के एक्टर शारजा में ये रिवायत शुरू हुई थी मुहातर साहब के दौर में, जब हम वहां पे मैच टूर्नामेंट होता था ना, सब सेलिब्रिटी उधर आते थे, वो एक ग्राउंड में एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता था, क्राउड जो उनको देखता था, वो जब चौका छक्का लगता था वो शोर करते थे, वो हमारे जो क्रिकेटर है वो भी इंडिया पाकिस्तान वो भी खुशी का इजहार करते थे। एक अच्छा जस्टर है, देखिये कल्चर जो है इंडिया पाकिस्तान का सेम है, मसला यह है कि दोनों नेशन जो है ना क्रिकेट लवर है, ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। देखें पहले आपने अभी हमारे कई सिंगर्स का नाम दिया, वो जाते थे और हमारे डिमांड थी, आपने देखे हमारे कई ऐसे सिंगर हैं जो उनको वो कहते हैं भजन आप इधर ही रहो हमारे पास इंडिया में, ऐसे ऐसे भी वहां पे लवर हैं, मगर देखिए मेरी दुआ दो हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में आए और ऐसा एक दरवाजा खुले, चैंपियन ट्रॉफी के बाद आना जाना शुरू हो, हमारी क्रिकेट आगे चलेगी। देखे हम मानते हैं कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट में बड़ी इंप्रूवमेंट की है, जब इसमें तो ये चीज माननी पड़ेगी, मतलब ये भी हमें है कि हम आम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, देखिये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पे काम करेगी, हमारे वजीर दाखला साहब भी काम करेंगे, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी इस पे काम करेंगे, आईसीसी को भी लाएंगे, इंडिया आए, हम मोस्ट वेलकम करते हैं, इंडिया आए, इंशाल्लाह ताला वैसी मेहमानवाजी करेंगे कि यहाँ तक हम इनको खदे खिलाएंगे, पहाड़े खिलाएंगे, निहारी खिलाएंगे, फरीसा खिलाएंगे, चने की दाल के नान खिलाएंगे, लस्सी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे इनके लिए हम, मगर यह है कि आप आए और यहाँ पे क्रिकेट खेलें, और क्योंकि देखिए ये आईसीसी का टूर्नामेंट है मीरा, देखिए अगर पाकिस्तान देखो दो मतलब अगर इंडिया गया तो आईसीसी टूर्नामेंट की वजह से गया, इंडिया आना पड़ेगा, अब देखते हैं आगे क्या ये हाफिज साहब बता सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बता सकते हैं। बिल्कुल सही हाफिज साहब। अच्छा इसके साथ एक और बात करना चाहूंगी, आईपीएल जो है उसमें भी काफी खबरें, काफी चीजें सामने आती हैं, लेकिन इतनी सारी गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं होता, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं देख रही थी कि हरभजन सिंह, जिनकी बात को हमेशा से बड़ी अहमियत भी दी जाती है, और धोनी हिमसेल्फ इज अ स्टार, उनके ऊपर तो आप कह लें कि बात कोई कर ही नहीं सकता शायद, लेकिन फिर भी मुझे खुशी होती है कि जब एक दूसरे में कोई इस्लाही तौर पर जब कोई बात की जाती है, तो हरभजन सिंह का धोनी को यह कहना था कि आप जिस तरह से खेल रहे हैं मेरा मशवरा है कि आप ना खेलें, नंबर 9 पर आने का कोई मतलब ही नहीं है, आप इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए उनकी राय है, वो इंडिया के दोनों इकट्ठे खेले हैं, मैं तो धोनी को क्या मशवरा दूंगा, हरभजन सिंह की राय है, लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और अगर उन्होंने ये कहा है तो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस अंदाज से कहा है। हाँ मतलब उनका मकसद ये था ना कि जिस तरह से वो नंबर 9 पर आ रहे हैं, जेन में खैर जब हरभजन जब उसने जाना है तो चले ही जाना है ना, हरभजन सिंह के कहने से महेंद्र सिंह धोनी को तो फर्क नहीं पड़ना कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन लोगों के अपने ख्यालात होते हैं, जब आप क्रिकेट देखते हैं क्रिकेट मैच के ऊपर क्रिकेट मैच के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और अगर आप उनकी कारकर्दगी को देखते हैं आईपीएल में, आप देखें कि अगर शिवम दुबे
को शामिल किया गया है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो लोग ये बात कर रहे हैं कि उसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया महेंद्र सिंह धोनी ने। आप महेंद्र सिंह धोनी की कारकर्दगी को देखते हैं इस आईपीएल में भी, तो कई इनिंग्स ऐसी हैं कि उन्होंने बहुत कम गेंदों पर बहुत रन बनाए हैं। एक मैच में उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार्दिक पांड्या को एक ओवर में 3 छक्के भी लगाए थे। सो हरभजन सिंह एक टॉप क्रिकेटर है इंडिया के, और वो अपने ख्यालात का इजहार बड़े खुले अंदाज में करते हैं। इंडिया के क्रिकेट के बारे में बात करें, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में बात करें, तो अब उनका अपना ख्याल, उनका हो सकता है ये ख्याल है कि अगर आप 8वें 9वें नंबर पर आते हैं तो उसकी जगह पर आप किसी और स्पेशलिस्ट को खिला लें। लेकिन जब जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी का ताल्लुक है, उस जैसे क्रिकेटर को के साथ खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है कि अगर आप खेल के मैदान में हैं, मुख्तलिफ आपकी हालात बनते हैं मैच में, बिल्कुल, तो आप मुख्तलिफ किस्म के हालात में मुख्तलिफ किस्म की सोच आपको पढ़ने का मौका मिलता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मैच को, कैसे खेल को पढ़ रहे हैं। चूंकि उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में होता है, इंडिया के लिए उन्होंने तमाम बड़ी ट्रॉफीज जीती हुई हैं बहसीत कप्तान, तो उनकी मौजूदगी में फ़ायदा तो हो सकता है। बहरहाल ये हरभजन सिंह का अपना ख्याल है, और हो सकता है उसकी कदर भी करें, महेंद्र सिंह धोनी भी उसकी कदर करें, तो यकीनन इकट्ठे खेले हैं, साथ खेले हैं, लेकिन उनका यही ख्याल होगा ना कि 9वें नंबर पर शायद वो उतने ज़्यादा मौसर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं छोटे छोटे हिस्सों में, जिसने फर्क डाला है चेन्नई की कारकर्दगी के ऊपर। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, इसी को कंटिन्यू आपसे करना चाहूंगी, फिर उसके बाद आमिर साहब से भी इसी बारे में राय लूंगी। सबसे पहले तो ये कि आप देखें कि भारत का कप्तान जो है वो बहुत देर से रोहित शर्मा रहे हैं, बल्कि हाफिज साहब इसी के साथ साथ हमें रविश ने भी ज्वाइन किया है, मैं रविश को भी इस गुफ्तगु में ऐड करना चाहूंगी। रविश, होप यू आर डूइंग वेल। इंडिया के कैप्टन जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे, इस हवाले से मैं हाफिज साहब से कंटिन्यू करके फिर आपकी तरफ आगे बढ़ती हूँ। हाफिज साहब, जैसे इंडिया के कैप्टन क्योंकि रोहित शर्मा रहे हैं और टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग रही है उनकी कप्तानी में, उनकी जिस तरह से कैप्टनसी स्किल्स हैं उन्होंने टीम को बहुत जोड़ के रखा है, उसके बाद जैसे कल रविश भी बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या क्योंकि वाइस कैप्टन हैं तो उम्मीदें उनसे भी बहुत सारी वाबस्ता हैं, कहीं ना कहीं अगर कमी बेशी है अभी तो वो इंशाल्लाह उसको आगे अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं। कल भी हार्दिक पांड्या की काफी बात हो रही थी, कैप्टेंसी की बात करना चाहूंगी, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन अगर नहीं है तो कितना असर पड़ सकता है इंडियन टीम पर? नहीं, अभी भी वो कैप्टन है इंडिया के, आगे फ्यूचर की बात कर रही हूं कि अगर जिस तरह से अभी देखिए बात किया कि अभी तो वो जा रहे हैं वर्ल्ड कप की तरफ, ठीक है, तो अगर नहीं होंगे उस वक्त क्या होगा वो और चीज है, अभी तो वो इस वक्त इंडिया की टीम के कप्तान है, ठीक है, वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम की क्यादत करनी है, क्या सोचते हैं इसके बाद वो T20 फॉर्मेट छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, या खेलते रहते हैं टेस्ट मैचेस में, वो रेड बॉल में वनडे क्रिकेट में वो अपने आप को लेकर चलते हैं, कितनी देर तक चलते हैं। अभी हाल ही में देखें उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज खेली है और जिस शानदार अंदाज में वहाँ पर नौजवान क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया, बिलखसूस यशस्वी जायसवाल ने, सरफराज खान को काफ़ी साल की उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बाद जब मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया, दारुव जुरेल जिन्होंने परफॉर्म किया, एक मैच विनिंग नॉक उन्होंने खेला, तो अभी तो देखना ही है कि किस तरीके से वो अपने जो क्रिकेट करियर है फ्यूचर में उसको देखते हैं, क्या वो T20 क्रिकेट छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो कैप्टन्स के ऑप्शंस हैं उनके पास, पहले भी कप्तानी की हुई है इन्होंने हार्दिक पांड्या ने, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये वक्त उनके मुस्तकबिल की कप्तानी के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू के बजाय वर्ल्ड कप में जो इंडिया टीम की परफॉर्मेंसेज हो सकती हैं उनके ऊपर तवज्जो करने का है कि अभी जिनका आपने नाम लिया है वो उनके वाइस कैप्टन है, बिल्कुल ऐसे ही है, और जिनका आपने जिक्र किया है वो टीम के कप्तान है, तो अभी तो वर्ल्ड कप है, अभी तो मेरा ख्याल है ये कहना कि वो अगर नहीं होंगे तो क्या होगा ये तो वर्ल्ड कप के बाद फैसला होगा, टीम की कारकर्दगी कैसी रहती है, वो अपना T20 करियर कैसे देख रहे हैं और वो आगे कैसे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है रविश, आई वुड लाइक टू गेट योर रिमार्क्स ऑन इट। हाँ बिल्कुल हाफिज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तो मतलब अभी कोई बात करने का कोई फायदा नहीं है, कैप्टेंसी को लेकर अभी इंडिया में भी कोई इशू नहीं है कि भैया रोहित शर्मा को हटा दो या किसी और को कैप्टन बना दो, ऐसी कोई बात चल भी नहीं रही है सही। अभी तो सिर्फ आईपीएल पे लोग बात कर रहे हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम पे बात कर रहे हैं कि हाँ जी वर्ल्ड कप में
इंडिया की टीम कैसी बनी है, क्या बनी है, वो भी एक दो दिन तक बात करी, वो भी अभी पीछे हो गई सारी बातें। कैप्टनसी का कोई इशू है नहीं मुझे लगता है, और देखो इंडिया में ऑप्शन बहुत सारे हैं, जब जरूरत पड़ेगी रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया के पास की बहुत सारे लोगों को कैप्टन बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या जैसे मैंने आपको कल भी कहा था वो फ्रंट रनर रहेंगे, उनको कैप्टनसी दी जाएगी। T20 की जहां तक बात है उसमें तो बहुत सारे कंटेंडर, शुभमन गिल उसमें कंटेंडर है, फ्यूचर का देखना है तो टेस्ट रेड बॉल फॉर्मेट में शुभमन गिल आपके पास एक बड़े कंटेंडर है, ऋषभ पंत एक बहुत बड़े कंटेंडर है, उनको कप्तानी दी जा सकती है। बिल्कुल, देयर आर सो मेनी गाइस। श्रेयस अय्यर के बारे में भी बात की जा रही है ना कि उनको बकायदा तौर पर ग्रूम भी इसलिए किया गया था कि शायद वो आने वाले वक्त में कप्तान हो सकते हैं। नहीं मीरा देख श्रेयस को कप्तान इन्होंने बनाना था, लेकिन श्रेयस जो है वो कुछ उनके साथ ऐसी चीजें हो गई है कि वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना बीसीसीआई के, लास्ट टाइम उनको और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही हटा दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता बीसीसीआई सीरियसली उनकी तरफ देख रही है, क्योंकि टेस्ट मैच में भी वो ऑलमोस्ट बाहर होने की कगार पर थे, वो तो उनकी एक एक अच्छी इनिंग आ गई तो वो बच गए। T20 वर्ल्ड कप की टीम में वो है नहीं, वनडे में उनकी जगह बनेगी नहीं तो फिर कप्तानी कैसे करेंगे। और जहां जिसको बीसीसीआई सोच रही है कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दे रहे उनको, क्योंकि बीसीसीआई का साफ तौर पर ये कहना था कि अगर आपको इंजरी होती है और इंजरी से आप वापसी करते हैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ही नहीं, जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो बीसीसीआई नाराज हो गए उनसे, कोच राहुल द्रविड़ नाराज हो गए उनसे कि आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, और अगर आप डोमेस्टिक जब आप फ्री हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे उसको तवज्जो नहीं देंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बाहर कर दिया गया। तो मजबूरी में मुंबई के लिए मैच खेलने आए श्रेयस अय्यर, उनको एहसास हुआ गलती का, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो आए नहीं, तो जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है वो तो उनको कैसे कैप्टनशिप दे दी जाएगी, बाकी प्लेयर तो है ना लिस्ट में, तो वो रेस में थोड़ा सा पीछे छूटते हुए नजर आए। अब आई डोंट नो 5-6 महीने के बाद क्या सूरत हाल होता है, क्या चीजें होती है, बट अभी तो मेरे को नजर नहीं आता कि स्कीम ऑफ थिंग्स में। बिल्कुल सही रविश, कल हम लोग धोनी की बात कर रहे थे और उसी के ऊपर हरभजन सिंह का भी कहना था कि उन्होंने शायद मशवरा दिया है कि धोनी जो है वो फिलहाल जिस तरह की गेम चल रही है वो ना ही खेलें, क्योंकि नंबर 9 पर मैं देखना नहीं चाहता उनको। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन मीरा महेंद्र सिंह धोनी को क्या करना है ये महेंद्र सिंह धोनी बेहतर जानते हैं, ये चेन्नई सुपर किंग्स बेहतर जानते, मशवरा हरभजन सिंह ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी इंडिया में बहुत बड़े ब्रांड है, ब्रांड द सेंस कि लोग सिर्फ धोनी को देखने आते हैं, धोनी को देखने आते हैं, कोई मैच ऐसा नहीं होता जिसमें हरभजन सिंह को देखने आ रहे हो। एमएस धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये ग्राउंड विकेट कीपिंग भी अगर महेंद्र सिंह धोनी कर ले तो उसी में क्राउड भर जाती है। मेरे को याद है पिछले साल का जो फाइनल हुआ था गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, वो कहाँ था? वो अहमदाबाद में था, अहमदाबाद होम ग्राउंड था गुजरात टाइटंस का, और वहां पे 80-90% क्राउड जो थी वो चेन्नई की थी, येलो जर्सी में लोग नजर आ रहे थे, और 3 दिन तक वो फाइनल चला था ड्यू टू रेन, लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कराया चेन्नई के वापस, और वही स्टे किया, और होटल के रेट इतने महंगे थे। तो महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट अ नेम, ही इज एन इमोशन इन आवर कंट्री, क्या तो वो उनको कोई सलाह ना दे तो बेहतर है। दूसरी चीज ये है कि 9वें नंबर पर चले 10वें नंबर पर चले धोनी डिसाइड करते हैं, लेकिन धोनी आज उस फेज में नहीं है जहां वो पार्टनरशिप बिल्ड कर सके। उनको पता है अपने गेम की समझ, वो पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए नहीं है, उनको पता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, 10 महीने उनका बैट टंगा हुआ होता है, 2 महीने क्रिकेट खेलने आते हैं, तो वो 2 महीने की क्रिकेट में 9 या 10 गेंदें ही खेल सकते हैं कि आए और हिट करें। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर खिलाओगे और ये सोचोगे कि वो पार्टनरशिप आपके लिए बिल्ड करेंगे, शायद ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप भी मतलब जो बाकी के जो लोग हैं ना वही उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि आ गए इन्होंने गेम ब्लॉक कर दी, इनसे रन नहीं बने। भैया उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, ये हमने राहुल द्रविड़ के साथ देखा, ये हमने ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ देखा, वही गेंद जो पैड पे पड़ती थी सचिन तेंदुलकर के, सचिन तेंदुलकर क्रॉस बैटेड शॉट मारते थे चौका चला जाता था मिड विकेट से, और वही गेंद सचिन तेंदुलकर को पड़ती थी LBW आउट हो जाते थे, वही राहुल द्रविड़ जो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पे कट करके चौका मारते थे वही गेंद को प्लेट ऑन करके आउट हो जाते हैं। तो उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, तो ये महेंद्र सिंह धोनी अब 50-60 गेंदों का गेम नहीं खेल सकते कि वो आ जाए 10 ओवर पहले बल्लेबाजी करने के लिए, उनको भी रियलाइजेशन है इस चीज का, इसलिए वहां पे बैटिंग करने आते हैं कि मैं आऊंगा और मेरे को बस उड़ाना है। जहां धोनी की पार्टनरशिप करने की सोचने लग गए ना कि मैं इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा, वहां पे गेम ब्लॉक हो जाएगा और वहां पे लोग फिर क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ये ऊपर बैटिंग करने क्यों आ रहा है जब यंगस्टर्स पड़े हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच रविश फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।
कमिंग टू यू आमिर साहब, आमिर साहब चाहूँगी कल जैसे हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, हसन अली की हमने बात की, मोहम्मद आमिर की बात की, इसी तरह हसन बाबर आजम ने ये भी कहा कि उनका एक खास प्लान भी है विराट कोहली के लिए, तो आपको लगता है कि जो प्लान उन्होंने बनाया है वो उसके ऊपर पूरा उतरेंगे, क्या स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे? क्योंकि हसन अली के बारे में तो उन्होंने बोल दिया है कि वो परमानेंट पार्ट नहीं है, वो 11 का हिस्सा एज सच नहीं है, बैकअप के लिए उनको रखा गया है, और विराट के लिए जो इनका प्लान है उसके लिए बहुत पुरेतमाद है। देखिए मीडिया, मैं विराट की तो बात करूंगा, बात देखिए उन्होंने कहा ना ये हारिस लॉ की जगह पे हमने जो फेस कर तो हसन को लिया, मैंने कल भी आपको कहा था उसकी जगह पे आमिर जमाल क्यों नहीं है, उत्तर मोहम्मद वसीम क्यों नहीं है, कमाल खान क्यों नहीं है, ये नाम आ जाए तो ना हम खुश होते, तो ये हमारा जो कप्तान है वो ये उसने ये डिसाइड किया हुआ है, मगर ये हसन अभी देखिए हम मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ यही से गुड फास्ट बॉलर, वो लय में है अभी, वो खेलना चाह रहा है और खेल सकता है, अगर आपको उसको पटोता टीम भी होना चाहिए, ये नहीं कि वो टीम का हिस्सा ना हो और जब 6 माह या 7 बाद 2 साल बाद वो वर्ल्ड कप को ऐसा टूर्नामेंट हो वो ठक करके उसकी एंट्री हो जाए, इसमें थोड़े हमारे तो गुजरात है, बाकी अदर क्रिकेटर और वो खेलता भी है और जानता है, उसने परफॉर्मेंस भी दी हुई है। और दूसरी हमने विराट कोहली की बात की, देखिये बाबर आजम का प्लान ठीक है, हर कप्तान बनाता है प्लान, अच्छी बात है, अगर वीकनेस ढूंढ लिया है और ये देख लेंगे वो 9 जून को इनके पास क्या प्लान था या विराट कोहली ने इनके खिलाफ क्या प्लान बनाया, देख लेंगे जो भी जीता वो हमें 9 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब कमिंग टू यू, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया इब्रार का भी कहना था कि वो मतलब उनकी पहले भी एक बार उन्होंने बोला था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो विराट कोहली को आउट करें और इस बार फिर उनको मौका मिल रहा है, तो इब्रार के लिए क्या एडवाइस है, किस स्ट्रेटजी के साथ जाएं ताकि वो जो उनका गोल है वो उसको पूरा कर सकें? अभी बहुत दूर है मैच इंडिया और पाकिस्तान का, और जब उसके करीब आएंगे तो फिर उनको मौका मिले तो आउट करें, किसी ने उनको रोका तो नहीं है, और ये अच्छा होगा जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तान आमिर भी चाहते हैं कि वो उनको आउट करें, और आमिर ने उनको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट भी किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है कि वो आउट करना चाहते हैं उस, लेकिन उसके लिए उन्हें वो मैच खेलना पड़ेगा, और उस मैच को खेलने के लिए उनको पाकिस्तान जब 15 का स्क्वाड ऐलान करेगा तो टीम में होना पड़ेगा, और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा तो कप्तान उससे पहले इतना पुरअतमाद होंगे कि वो इब्रार को मौका देते हैं खेलने के लिए, उसको प्लेइंग 11 में आना पड़ेगा, और फिर जब उनकी बॉलिंग आती है तो क्या उस वक्त विराट बैटिंग कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे ये भी देखना पड़ेगा, अगर बैटिंग कर रहे होंगे तो ही आउट करने का मौका मिलेगा। सही बात। और दूसरा ये है कि किस वक्त आउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैच अभी ये ना हो कि 80 रन हो जाए उसके बाद आउट करें। हाँ, अभी अभी मैच खासा दूर है, ख्वाहिश है उनकी, चूंकि वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और मैच में जो भी उन्हें उस वक्त में आउट करेगा जिस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो यकीनी तौर पर वो याद रखी जाने वाली चीज़ है। आज भी लोग आमिर को क्यों याद करते हैं, इसलिए कि उन्होंने 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के खिलाफ उनकी सारी की सारी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग थी उसको आउट किया है, और उससे पाकिस्तान के लिए मैच को जीतने में एक बड़ी आसानी पैदा की है, लोग उनको उस वजह से याद करते हैं, क्योंकि इसको 8 साल गुजरने को हैं, 17 का पूरा साल गुजरा, 18 का गुजरा, 19 का गुजरा, 20 का गुजरा, 21, 22, 23, 24 जो है वो भी जब जून में 24 भी आधा गुजर गया होगा, जो इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंसेज होती हैं वो याद रहती हैं। 2012-13 में जब जुनेद खान इंडिया गए थे तो वहाँ पर उन्होंने इंडिया के तमाम ऊपर के बल्लेबाजों को अपने नए गेंद के साथ बिल्कुल बेबस किया था और उनकी विकेटें हासिल की थी। बिल्कुल सही, ये याद रहती हैं चीज़ें, बिलखसूस इंडिया पाकिस्तान की। विराट ने जो पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में इनिंग्स खेली थी जिसमें उन्होंने आखिरी 18 गेंदों पर मेरा ख्याल है आपको 48 रन बनाए थे इंडिया ने, तो वो भी पाकिस्तान से मैच, तो वो अकलौते तने तन्हाई वो T20 की बेस्ट इनिंग्स उन्होंने उसको क्यों करार दिया था कि उस प्रेशर में जिस वक्त था इंडिया जहां पर आपको 18 गेंदों पर 48 रन की जरूरत थी, मेरा ख्याल है 47, 46 या 48 इतने रन की जरूरत थी, तो आप सुने उन्होंने क्या कहा था विराट ने जब उन्होंने मैच के बाद बात की कि हारिस को जो उन्होंने छक्के लगाए, तो वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अपनी टीम के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनकी विकेट कोई भी हासिल करेगा वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा। फायदेमंद होगा, लेकिन वही बात जिस तरह हाफिज साहब ने बोला है कि विकेट भी मैटर करता है कि आप किस टाइम पर हासिल कर रहे हैं, और
किस तरह से हासिल कर रहे हैं। लेकिन खैर जो भी हो, हमारा जिस तरह बाबर ने भी कहा कि ओवरऑल हमारा फोकस तो पूरी टीम पर ही है कि हमें जीतना है, और ना सिर्फ भारत बल्कि हर मैच जीतना हमारे लिए ज़रूरी है। आमिर साहब, हाफिज़ साहब का तो कहना है कि अभी बहुत दूर है, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अभी पलक झपकते ही जो है वो वर्ल्ड कप भी सामने आ जाएगा, चंद ही मैचेस की देर है और हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है। कल हमने इस बारे में भी जिक्र किया था, आज फिर से करना चाहूँगी कि मोहम्मद आमिर को चूँकि वीज़े का मसला हो रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा हमारी टीम पर? जिसके वीजा एक दो दिन में उसका मसला हल हो जाएगा, हो सकता है आयरलैंड का एक आधा उसको मैच मिस करना पड़े। देखिये मेरा दोस्त आमिर की जो हाफिज साहब से बात की ना, मैंने कल भी आपको बताया ही था वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और फास्ट बॉलर एग्जैक्टली, उसने पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी भी रिसेंटली जो खेल रहा है ना, उसके फिटनेस देखिए, आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करती है ना, देखो वो क्यों खेल रहा है, वो मैटर उसका जो दिमाग है बड़ा स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट वाइज, वो फिटनेस है। और जब आपकी सिस्टम आपकी डिमांड करता है कि आप फुल फिट आप मैं खेल सकता हूँ, तो प्लेयर को खेलना चाहिए। और देखिए अभी जो रिसेंट ने दो तीन ये डोमेस्टिक जो लीग खेली है वो उसकी उसने परफॉर्म किया है, इस वजह से सिलेक्टर उसके ऊपर सिलेक्ट करने में वो उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया है। मतलब देखिए आमिर जो रिकॉर्ड है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरा हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है ना, अगर मैं आपके तीन फास्ट बॉलर इस टीम में खिलाऊ ना, तो मैं नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी और आमिर को खिलाऊंगा, क्योंकि आमिर ये तीनों ऐसे फास्ट बॉलर हैं कि नया बॉल भी अच्छा कर लेते हैं और पुराना बॉल भी अच्छा कर लेते हैं। हमें तीन फास्ट बॉलर के साथ इन तीन फास्ट बॉलर के बाद टीम जाना चाहिए। हारिस रोफ की बात है, हारिस रोफ के अभी आयरलैंड में खेलेगा, इंग्लैंड में खेलेगा, उसकी मैच फिट का हमें देखना कि ही इज अ फुली फिट या इंजरी का थोड़ा सा उसको हिचकिचाहट तो नहीं है। देखिए बाबर आजम को भी हारिस रोफ को फुल फिट होके खिलाना चाहिए, ये नहीं है तो आधा अनफिट करके आधा फिट करके खिलाना चाहिए। अभी हमने बड़े नुकसान उठा लिए, आपने शिंशा को भी दे दिया, आपने शिंशा को भी दे दिया, आपने एहसान उल्ला को भी दे दिया, आपने बड़े बड़े फास्ट बॉलर को इंजरी के साथ खेलते हैं, अभी वो हमें कितनी खराबी है। जब हारे तो उसको टीम में ढूंढना चाहिए, मगर आमिर और नसीम शाह और ये शहनशाह अफरीदी, ये तीनों फास्ट बॉलर अगर टीम में खेलेंगे, देखें इन ये दोनों लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर है ना, ये अंदर बॉल लेके आते हैं, एक अच्छी लाइन पे बड़ा शार्प अंदर लेके आते हैं। इंडियन बैट्समैन का तो दुनिया के जितने बैट्समैन है अंदर आपको इतना अच्छा नहीं खेलते, वो ओम की तरफ खेलने के तरफ जाते हैं, वही बॉम्बी की तरफ लेग भी फोर या बोल्ड होते हैं। मगर ये आर्मी का जल्द से जल्द वीजा का इशू हल होना चाहिए, जैसे ये हल होगा तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने आज अपना कीमती वक्त दिए, काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे हाफिज साहब ने कहा है कि अभी वक्त बहुत दूर है, बहुत वक्त है हमारे क्रिकेटर्स के पास, वो अपनी काफ़ी हद तक स्ट्रैटेजीज अपनी टेक्निक को बेहतर बना सकते हैं। मैं बल्कि ये कहना चाहूँगी कि आप नोटिस ये भी करें कि आपकी कौन से पॉइंट को टीम्स ने पकड़ लिया है और वो आपको उसी पर बार बार आउट कर रहे हैं, स्पेशली बाबर के साथ में। मैं चाहती हूँ कि बाबर जो है वो इस चीज़ पर फोकस लाजमी करें, ताकि हमारी बहुत सारी होप्स जो हैं वो एज अ फैन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमारी जो है वो बाबर के साथ हैं। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।